होशंगाबाद में मोरछली चौराहे पर कोचिंग क्लास संचालित हो रही है, जिससे छात्र छात्राएं दोनों ही साथ में कोचिंग लेने आते हैं। वहीं दिन दहाड़े कुछ बदमाशों में से एक बदमाश शुभम ने कोचिंग क्लास के संचालक के छोटे भाई नितिन साहू पर गोली चलाई, लेकिन गोली उसे नहीं लगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो पकड़ा वो पुलिस वाले ले गया, पता नहीं उसे लाते पुलिस वाला साथ में लेके आया। वही तो बता रहे, पुलिस वाला लाया पुलिस वाले के सामने। जरा दो पुलिस वाले दो कोई कब लाया पुलिस वाले जो साथ में आया ना वही पकड़ के इसको जहां लेके आया। हाँ तो वो वहाँ होगा, वो पता नहीं कौन था, हम नहीं जानते। पुलिस वाले पुलिस वाला आ गया था क्या वहाँ पे? आया नहीं था, वो उसके साथ ही आया था लड़के के। एक ही पुलिस वाला था, दो थे। रिंकी भाई तुमने देखा तो होगा, सब पुलिस वाले नाम नहीं पता लेकिन वो मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए कोचिंग में, और उन दो लड़कियां आती हैं। उन दो लड़कियों के पीछे एक स्टॉकर है, जो लड़का है वो उसका पीछा करता है रोज, और वो उसने आज भी पीछा किया, कॉल किया। कॉल करने के बाद हमने उसको रोका तो वो हमें उल्टा धमकी देने लग गया, और इस हाथापाई में मेरे भाई ने उसको समझाने की कोशिश की, वो समझा नहीं, और आधा घंटे बाद वो सीधा नीचे कोचिंग के नीचे वो गन वगैरह लेकर आ गया, और उसको बोलता है, मुझे बोलता है कि मेरे तेरे भाई को लेकर उसको मारना है मुझे। तो हम लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की तो सुना नहीं, और उसने सीधा फायर किया है, और फायर करने के दौरान वहाँ पे एक पुलिस वाले थे, उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया उसका। कोइंसिडेंटली वो जो गोली है वो टीन शेड में जाके लगी है, और वहाँ पे काफी कुछ भीड़ थी, और वो सारी भीड़ ने पूरा वाक्य देखा है, वहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। कितनी गोलियाँ चलाई थी? दो फायर हुए हैं। क्या नाम है जिसने गोली चलाई? शुभम बोरा सिंह नाम। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम नितिन है। बात को लेकर इसने फायर किया है, वहाँ पर उसको पकड़ लिया पुलिस ने, गिरफ्तार कर लिया उसको। कितने राउंड फायर किए सर? फरियादी बता रहा दो राउंड फायर। ये जो जिन्होंने फायर किया है सर, ये कहाँ का रहने वाला है सर? वो किस? ये मूलतः इटारसी का रहने वाला है, शुभम बोरासी। पढ़ाई वगैरह करता है सर? पढ़ाई करता है। तो यहाँ कैसे पहुँचा होशंगाबाद के? अब इसका जो कनेक्शन है तो होशंगाबाद में उसके पीछे पीछे वो आया है वो, देसी कट्टा है। सर कहा जा रहा है कि चश्मी का कहना है कि वो उसके रिश्तेदार था और साथ में आया था मामा। नहीं, ये कहना गलत है, वो बोरासी लड़का योगेश यादव। होशंगाबाद से दुर्गेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट।